बच्चों आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टी को अज्यूम करना। तो टी अज्यूम करने का छोटा सा रूल है, मेरे साथ दोहराइएगा। टी उसको लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फंक्शन के मल्टीप्लायर। टी किसको लेते हैं? टी उसको लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फंक्शन के मल्टीप्लायर। आइए जरा इसकी प्रैक्टिस करते हैं एक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से। तो बच्चों फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, क्या होता है? log sec x plus c या minus log cos x plus c, ठीक है? तो अब हमने LHS consider करा है, ये है आपका इंटीग्रेशन tan x dx। अब हम tan को लिख सकते हैं sin upon cos। क्वेश्चन आया ऐसे ही क्यों लिखा, अभी आपको समझ में आएगा। फिर बच्चों हमने सबसे पहले काम करा, cos को आगे लिख लिया और sin x dx को एक साथ लिख लिया, ठीक है? अब हमने cos x को ही t क्यों लिया? अभी हमने सिखाया था t उसको लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फंक्शन के मल्टीप्लायर। तो बच्चों देखिएगा cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x dt अपॉन dx। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां पे हो जाएगा माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। तो बच्चों यहां पे देखिएगा ये जो माइनस है इसको हमने dt के साइड शिफ्ट किया। क्वेश्चन आया कि हमारे पास तो माइनस भी एक्स्ट्रा आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हमने उसको dt के पास शिफ्ट करा। अब बच्चों देखिए cos x को t लेते ही हमारे पास उसका डिफरेंशिएशन मिल गया। और सबसे खास बात है इंटीग्रेशन के फंक्शन के बच्चों मल्टीप्लाई में, देखा आपने, ठीक है? अब हमने cos x को t लिया, ये बताइए sin x dx किसके इक्वल आ रहा है? माइनस dt। माइनस एक प्रकार से माइनस वन आप मान के कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं और कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन से बाहर हो जाती है, ठीक है? तो बच्चों वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी। आप इसे लॉग मॉड टी भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा बेटर फॉर्म होती है, ठीक है? अब बच्चों हमने टी के प्लेस में लिखा कॉस एक्स क्योंकि हमने इसको एज्यूम करा था। बच्चों देखिए सेकेंड वाला फॉर्मूला प्रूव हो चुका है, ठीक है? क्या हम इसको माइनस वन लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा log cos x plus c। आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है log m की पावर n कितना होता है? n log m। क्या हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं? n log m is equal to log m की पावर n। तो ये जो माइनस वन है ये स्टूडेंट cos x की पावर पर आ जाएगा, ठीक है? प्लस में c। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 upon cos x, और 1 upon जो cos x होता है वो आपका कितना हो जाता है? sec x plus c, ठीक है? तो दोनों ही आपके फॉर्मूले प्रूफ हो गए हैं। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूफ करते हैं cot x का। cot x का इंटीग्रेशन आपका होता है log sin x plus c। आप इसे log mod sin x plus c भी लिख सकते हैं, ठीक है? we consider LHS cot x dx। cot को हम लिख सकते हैं cos upon sin। तो अभी हमने सिखाया था t उसको लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फंक्शन के मल्टीप्लाई। तो ध्यान दीजिएगा इसको हम लिख सकते हैं 1 upon sin x into cos x dx। अब हम t लेंगे sin x को, ठीक है? sin x का डेरिवेटिव स्टूडेंट होता है cos x dt upon dx। तो बच्चों cos x dx किसके इक्वल हो जाएगा? dt के। अब ध्यान दीजिए sin x की जगह आपने रखा t, cos x dx की जगह स्टूडेंट dt। 1 upon t का इंटीग्रेशन बच्चों कितना होता है? log t, ठीक है? अब आप t की वैल्यू को रिप्लेस करें, t की वैल्यू बच्चों कितनी है? sin x। तो अभी हमने आपसे क्या कहा, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं बेटर फॉर्म के लिए log mod sin, ये ज्यादा बेटर रिजल्ट होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये बच्चों क्या होता है आपका? log tan x by 2 plus c, ठीक है? तो LHS कंसीडर करते हैं 1 upon cos x dx। 1 upon cos x को हम लिख सकते हैं 1 upon sin x of dx। बच्चों sin x को लिखा जा सकता है 2 sin x by 2 into cos x by 2, ठीक है? अब देखिए, अब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में
cos स्क्वायर x by 2 से डिवाइड करें। माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों करें? बस एक स्टेप के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करा है? cos स्क्वायर x by 2 से, ठीक है? 1 upon cos स्क्वायर x by 2 को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x by 2। 1 upon cos स्क्वायर x by 2 को क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर x by 2, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, यहां पर cos से स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट, तो यहां पे बचेगा sin x by 2 एंड upon में cos x by 2, ठीक? तो sec स्क्वायर x by 2 एंड sin upon cos, ये स्टूडेंट हो जाता है 10x by 2 of dx। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको सेपरेट करना। 10x by 2 into 1 upon 2 sec स्क्वायर x by 2। क्वेश्चन आता है ऐसे आपने क्यों लिखा? अभी हमने आपको एक रूल दिया था, t उसको लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फंक्शन के मल्टीप्लाई में। तो अब बच्चों, हमने सबसे पहले 10x by 2 को assume करा t, तो 10 का derivative क्या होता है? sec square x by 2, और फिर से करेंगे आप x by 2 का, तो ये हो जाएगा dt upon dx। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो half है ये बाहर आ जाएगा because constant है x का, x के respect में 1, तो 1 upon 2 sec square x by 2 dx equal dt। तो बच्चों चेक करिए, पूरी की पूरी वैल्यू मैच हो गई। 1 upon t and dt, 1 upon t का इंटीग्रेशन बच्चों होता है log t, वैल्यू ऑफ t 10 x by 2। चेक कर सकते हैं t की वैल्यू आपकी कितनी है, 10 x by 2। अब इसी रिजल्ट की हेल्प से हम लोग sec x का फॉर्मूला बनाएंगे। ध्यान दीजिए, sec x का इंटीग्रेशन बच्चों होता है log 10 pi by 4 plus x by 2 plus c। तो अब आपने कंसीडर करा LHS, तो बच्चों ये हो जाएगा sec x of dx। sec x को हम लिख सकते हैं 1 upon cos x। देखिए ऐसा नहीं है कि cos x में हाफ एंगल नहीं है, cos x में हाफ एंगल है, सबके बीच में माइनस। अब हम डिवाइड करेंगे तो ये जैसे फॉर्म नहीं बन पाएगी जैसे साइन पे बनी, कोई साइन के फॉर्मूले में प्रोडक्ट था, बहुत आसानी से फॉर्म तैयार हो गई। तो अब हमने माइंड ये लगाया, कोई बात नहीं, कॉस को एएसटीसी के अकॉर्डिंग जो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा एसटीसी, तो बच्चों कोसाइन 90 प्लस थीटा ये होता है कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा ये जाता है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट पे, और सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन का रूट होता है क्या, पॉजिटिव, और 90 की वजह से चेंज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, sin 90 plus theta, क्वेश्चन आंसर बोल तो रहा है 90 लिख है pi by 2, तो 90 डिग्री में pi by 2 बच्चों रेडियन, ठीक है? तो अब ध्यान दीजिए, pi by 2 plus x को t लिया। अब यहां से आपको नई स्टोरी बताने जा रहे हैं। देखिए आप x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहां ओरिजिनल x नहीं है, अगर जरा सा भी x में चेंज होता है तुरंत उसको t लीजिए। जैसे ही आप t लोगे तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसी फॉर्म का फंक्शन हमारे पास बच्चों तैयार हो जाए, ठीक है? तो देखिएगा जरा, pi by 2 का डेरिवेटिव 0, x का आपका होता है 1, dt upon dx, dx किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, dt के। तो ध्यान दीजिए 1 upon sin t, और ये हो जाएगा dx की वैल्यू dt। 1 upon sin t को हम लोग लिख सकते हैं cos t। तो अभी देखिएगा, हम लोगों ने इस फॉर्मूले को प्रूव करा है, यहां पे बच्चों देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, cos x log 10x by 2, तो सिमिलरली cos t कितना हो जाएगा, log 10 t by 2, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन आता है कि सर ये तो आंसर t पे आ रहा है और आपका जो क्वेश्चन है या फॉर्मूला है वो तो x में है, कोई बात नहीं, जो आपने t अज्यूम करा उसको लास्ट में पुट अप करना मत भूलिएगा। तो बच्चों t की वैल्यू कितनी है आपकी, pi by 2 plus x, ठीक है? अब आपने 1 by 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो जाएगा, pi by 4 plus x by 2। तो देख सकते हैं
इंटीग्रेशन ऑफ secx क्या होता है log tan pi by 4 plus x by 2। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ cosec x क्या होता है log cosec minus cot x plus c। अब इसकी प्रूविंग पे ध्यान दें। देखिए अब क्वेश्चन आता है सिर्फ cosec x से हम क्या बना लेंगे, कुछ नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी आपका प्रूविंग वाला पार्ट है क्या है बच्चों cosec minus cot उसी से मल्टीप्लाई करो और उसी से डिवाइड। सबसे पहले जानो cosec minus cot का बेनिफिट क्या है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो बेनिफिट तो है, तभी तो करा है। अब आप सबसे पहले डिनोमिनेटर वाले टर्म को टी लीजिए, आपको तुरंत बेनिफिट दिखाई देगा। आप कहोगे हाँ सर ये वैल्यू बहुत अच्छी है, इसी से हमारा रूल फॉलो हो रहा है कि टी उसको लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फंक्शन के मल्टीप्लाई हो। ठीक है बच्चों, तो cosec का होगा माइनस cosec x इनटू cot x एंड cot x का होगा माइनस cosec स्क्वायर x dt अपॉन dx। ठीक है, अब ध्यान दें माइनस cosec x इनटू cot x माइनस माइनस प्लस। अब स्टूडेंट देखिएगा पॉजिटिव वाला टर्म पहले लिखिए और नेगेटिव वाला टर्म बाद में। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस cosec इनटू cot। देखिएगा यहां से कॉमन क्या हो रहा है, यहां से कॉमन हो रहा है cosec x, तो क्या बचेगा cosec x माइनस cot x dx इज इक्वल टू d। तो बच्चों आपने बेनिफिट देखा cosec minus cot से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का। बेनिफिट इतना है कि डिनोमिनेटर को t लेते ही कंप्लीट डिफरेंशिएशन मिल गया है। तो बताइएगा अब बच्चों आपने t किसको लिया था cosec minus cot को, मतलब डिनोमिनेटर को, क्या पूरा का पूरा न्यूमरेटर मैच हो गया है विच इज d। 1 by t को हम क्या लिख सकते हैं log t एंड t की वैल्यू है आपकी cosec x minus cot x। अब इसी की हेल्प से बच्चों हम लोग sec x का इंटीग्रेशन प्रूव करेंगे। वो क्या होता है log sec x plus tan x plus c। तो ध्यान दीजिए taking LHS तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब इसमें भी हमने वही वाला प्रोसेस करा जो cosec में करा था। इसमें बच्चों सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे sec x plus tan x से और उसी टर्म से डिवाइड करेंगे फॉर बैलेंसिंग। तो कितना हो जाएगा आपका sec x into sec x plus tan x upon sec x plus tan x। इस बार भी हम लोग डिनोमिनेटर वाले को t लेंगे, डिनोमिनेटर में कितना है sec x plus tan x। तो बच्चों बताइएगा sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x into tan x और tan x का होता है sec square x dt upon dx। कॉमन क्या हो रहा है बताइए sec x, तो यहां पे बचेगा tan x plus sec x क्रॉस मल्टीप्लाई करो dx से। अच्छा अब हम अगर प्लस है कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो पहले हम sec को लिखते हैं और बाद में हम tan को, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यस या नो बच्चों, देखिएगा ऐसा करने से फायदा क्या हुआ पूरा का पूरा न्यूमरेटर आपको मैच हो गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर की जगह t और न्यूमरेटर की जगह dt, 1 अपॉन t का ये होता है log t। बच्चों इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब हमने t की वैल्यू को रखा है तो ये हो जाएगा log sec x plus tan x plus c। ओके, तो अब हमने 6 फॉर्मूलों की प्रूविंग करी है, एक बार हम यहां पे लिख देते हैं जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो बच्चों फर्स्ट फॉर्मूला था आपका tan x, tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cosec plus c, या दूसरा होता है स्टूडेंट log sin x plus c। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, तो ये क्या होगा log sin x plus c। बच्चों log के अंदर मॉडुलस लगाने से बेनिफिट ये होता है log की डेफिनेशन, मतलब डोमेन क्या ऑलवेज पॉजिटिव, इस वजह से log के अंदर मॉड लगाना चाहिए। अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो भी सही, क्योंकि log का ऑलरेडी इनपुट क्या है पॉजिटिव बच्चों, तो हम पॉजिटिव ही वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा नेक्स्ट
अब बच्चों सेकेंड्स के आपने दो इंटीग्रेशन पढ़े, पहला पढ़ा है log 10 pi by 4 plus x by 2 plus c, एंड दूसरा बच्चों क्या पढ़ा हुआ है आपने log secx plus tanx plus c। ये दोनों ही इंटीग्रेशन आपके किसके हैं, secx के। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cosec, तो इसका होता है log 10 x by 2 plus c एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, दूसरा वाला हो जाएगा log cosec minus cot x plus c। तो ये छह फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए, ज्यादातर यूज इन दोनों बच्चों ये दूसरा वाला होता है, इसी तरह से cosec में भी दूसरा वाला होता है, ठीक है। लेकिन आप छह के छह फॉर्मूले अच्छे से याद करिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.2। बच्चों फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से सेपरेट, क्वेश्चन आया कि सर क्यों करा, अभी हमने आपको सिखाया था t उसको लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फंक्शन के मल्टीप्लाई पे हो। तो बच्चों ध्यान दो, 1 plus x square को हमने t assume करा, 1 का डेरिवेटिव 0, x square का 2x, dt upon dx, 2x dx is equal to dt। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, t के। 2x dx की जगह आप रख सकते हैं dt, 1 by t log t होता है। अब बताइएगा t की वैल्यू कितनी है, 1 plus x square plus c। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बच्चों, अब हमने काम करा log x को सिस्टम में से अलग करा, रीजन बस इतना सा है क्योंकि हमको मालूम है कि अगर हमने log x को t लिया तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या जाएगा, 1 upon x। तो बच्चों log x का डेरिवेटिव होता है 1 upon x which is dt upon dx, तो ये हो जाएगा 1 upon x dx is equal to dt। अब log x की जगह हमने रखा t, 1 upon x dx की वैल्यू dt, t square का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 2 plus 1 upon 2 plus 1, भाई हमने x की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया, तो बताइएगा t cube अपॉन 3 होगा, t के प्लेस में हम क्या रख सकते हैं log x, तो log x का होल क्यूब अपॉन 3। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, यहां से कॉमन बच्चों क्या हो रहा है x, तो ये हो जाएगा 1 plus log x dA। अब हमने काम ये करा 1 plus log x को यहां अलग रखा और 1 by x को हमने किसके साथ रखा, dx के साथ, ठीक है। अब हमने बच्चों 1 plus log x को t assume करा है, तो बताइएगा 1 का 0 log x का 1 upon x, तो बच्चों cross multiply करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 upon x dx is equal to dt। तो देखिए अभी भी वही rule काम कर रहा है, t उसको लेते हैं जिसका differentiation integration के function के multiply हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 upon t, 1 upon t को हम क्या लिख सकते हैं log t, and value of t आपका है 1 plus log x plus c। next देखिएगा, इसमें student हमने सबसे पहले इस sine को dx के पास रखा, क्यों रखा है अभी आपको तुरंत समझ में आने वाला है, ये जो sine का angle है इसको student हमने t assume करा, किसको cosec को, तो बच्चों cosec का derivative होता है minus sin x, dt upon dx cross multiply sin x dx is equal to minus का dt। तो अब देखिएगा जरा cos x की जगह आपने रखा t, ठीक है बच्चों, और sin x dx की जगह हम क्या रखेंगे minus dt, तो minus integration से बाहर हो जाएगा, integration of sin t कितना होता है minus का cos t, minus minus प्लस, बस अब आपको t की वैल्यू को रखना है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सबसे पहले बच्चों इसमें गौर से देखिए, सेम एंगल है, तो सेम एंगल से फायदा क्या है, अगर हम इसे a अज्यूम कर लें, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें। क्वेश्चन आया कि सर a अज्यूम करने से आपको फायदा क्या मिला, तो देखिएगा 2 sin a cos a
हम लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला साइन 2a का होता है, ये 2 साइन a इनटू कॉस a, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला आपका साइन 2a का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2ax प्लस 2b। अभी हमने आपको एक लाइन दी थी जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, अगर उसके अलावा छोटा सा भी चेंज आए तुरंत उसको टी लो। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहां पर x नहीं, यहां पर चेंज आ गया, और जो भी चेंज है, जो भी छोटा सा भी चेंज है उसको बच्चों टी लेना चाहिए। तो x का x के रिस्पेक्ट में 1, 2b का 0, तो dt upon dx क्रॉस मल्टीप्लाई 2a dx is equal to dt। अब बच्चों यहां पे हमें सिर्फ dx चाहिए, तो 2a को शिफ्ट कर दीजिए। अब ध्यान दें, इस वैल्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, sin t, और dx की जगह क्या लिखेंगे, 1 upon 2a dt। 1 upon 2a कांस्टेंट है, बाहर आके देगा 1 upon 4a। तो अब बताइए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ sin t कितना होता है, माइनस का कॉस टी, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब आपने बस टी की वैल्यू को रख दिया, तो बच्चों टी की वैल्यू आपकी कितनी थी, 2ax प्लस 2b, तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ax प्लस b, ये एक बेटर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों, यहां पर x है और यहां पर चेंज हो गया है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ax प्लस b को t लेना है, x का 1, b का 0, तो dt upon dx, dx को इधर शिफ्ट करें, तो a dx is equal to dt, तो बच्चों dx की वैल्यू 1 upon a dt। अब ध्यान दीजिएगा, ax प्लस b की जगह रखेंगे आप t, और dx की जगह क्या रखेंगे, 1 upon a dt। 1 upon a कैसा टर्म होता है, कांस्टेंट, रूट टी को हम लिख सकते हैं टी की पावर हाफ, तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, प्लस में सी, वन अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 3/2 एंड बच्चों 3/2, तो इसको रेसिप्रोकल करें 2/3a, एंड टी की वैल्यू, वैल्यू ऑफ टी इज ए एक्स प्लस बी होल की पावर 3/2, ठीक है। फिर यहां पर देखिए चेंज आ गया है, x प्लस 2 है बच्चों, यहां x है, तो x प्लस 2 वाले को आप t लीजिए, x का 1, 2 का 0, dt upon dx, तो बच्चों dx is equal to dt। अब देखिए हम यहां x प्लस 2 की जगह t तो रख देंगे, लेकिन इस x का क्या होगा, तो इस x को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को बस शिफ्ट करना है, ठीक है बच्चों। तो x की वैल्यू कितनी है, t माइनस 2, एंड x प्लस 2 की जगह आप रखेंगे t, और बच्चों dx की जगह क्या आ रहा है, dt, ठीक है। देखिएगा t माइनस 2 ये हो जाएगा t की पावर हाफ, चलो मल्टीप्लाई करिए, तो t into t की पावर हाफ एंड t की पावर हाफ, बेसिकली पावर ऐड होगी, तो इसमें पावर 1 होती है, तो 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। अब ऐड करिए स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा 3/2 एंड t की पावर हाफ। अब इसको अलग अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 एंड 2 कांस्टेंट है, t की पावर हाफ ऑफ dt, ठीक है बच्चों। x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे, x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा यहां पर हो जाएगा 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, नेक्स्ट होगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, आफ्टर LCM ये हो जाएगा 5/2 एंड नेक्स्ट 3/2 और अपॉन में 3/2, तो ये हम लिख सकते हैं 2/5
नेक्स्ट ये बच्चों जब न्यूमरेटर में जाएगा 4 अपॉन 3 टी की पावर 3 बाय 2, ठीक है, थोड़ा सा इसको भी हाफ में ऐसे करके लिख देते हैं, थोड़ा छोटा करके। अब बच्चों ध्यान दें, वैल्यू ऑफ टी आपका कितना है, x प्लस 2 5 अपॉन 2, नेक्स्ट हो जाएगा x प्लस 2 होल की पावर 3 बाय 2, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला काम बच्चों हम इस x को पीछे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे अभी आपको नेक्स्ट वाले स्टेप में पता चल जाएगा। बच्चों अगर हम 1 प्लस 2x स्क्वायर को t लें, तो आज हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि t उसको लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फंक्शन के मल्टीप्लाई पे, ठीक है, 1 का 0 x स्क्वायर का 2x dt अपॉन dx क्रॉस मल्टीप्लाई 4x dx is equal to dt। तो अब ध्यान दें x dx 1 अपॉन 4 dt होगा क्यों, तो बच्चों ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके इक्वल है, t के। x dx की जगह आप रख सकते हैं 1 अपॉन 4 dt, तो इसे आप लिखेंगे t की पावर हाफ, 1 अपॉन 4 कैसा टर्म होता है, कांस्टेंट, तो बस x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n plus 1 upon n plus 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे हो जाएगा 3 by 2 and बच्चों 3 by 2 देखिएगा, अब ये 4 से 2 cancel out तो 1 upon 6 हो जाएगा, value of t 1 plus 2x square whole की power 3 by 2। सबसे पहला काम स्टूडेंट यहां से 2 common हो रहा है, 2 constant होता है तो integration से बाहर हो जाएगा, तो 2x plus 1 under root x square x plus 1। अब सबसे पहला काम ये करिए, आप 2x plus 1 को dx के पास रखिए, ठीक है, benefit अब आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगेंगे। तो देखिएगा यहां पे आपका हो जाएगा 2x plus 1 of dx, हमने क्या समझाया था, t उसको लेते हैं जिसका differentiation integration के function के multiply पे, तो बच्चों t उसको लीजिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपने t दिया, x स्क्वायर का 2x, x का 1, 1 का 0, dt upon dx क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 dx is equal to dt। तो अब ध्यान दीजिएगा इस पूरी वैल्यू की जगह हम t रख सकते हैं, ठीक है, 2x प्लस 1 dx की जगह बच्चों क्या रख सकते हैं, dt, तो ये हो जाएगा t की पावर हाफ, और t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन n plus 1 upon n plus 1, तो आप ध्यान दें ये हो जाएगा 3 by 2 and 3 by 2, तो बच्चों इसको लिखेंगे 4 upon 3, ठीक है, value of t, t की वैल्यू क्या है, x square plus x plus 1 whole की पावर 3 by 2। नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसमें आपको स्टार्टिंग ही नहीं मिलती होगी, कोई बात नहीं, क्या हम x को रूट x इनटू रूट x लिख सकते हैं, ये तो आपने छोटी क्लास में सीखा होगा कि बच्चों रूट x का स्क्वायर क्या होता है, x, ठीक है, तो अब आपने यहां से स्टूडेंट कॉमन क्या लिया, रूट x, तो रूट x माइनस 1 ऑफ dx, ध्यान दीजिएगा ये वाला जो root x है ये आपने बच्चों कहां पे रखा, dx के साइड, अब इसका बेनिफिट देखिएगा, तो सबसे पहला काम root x minus 1 जो डिनोमिनेटर में इसको हमने लिख, बच्चों root x का डेरिवेटिव आप सबको याद होना चाहिए, root x का डेरिवेटिव होता है 1 upon 2 root x, और 1 क्या है आपका एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका 0 होगा dt upon dx, dx को आप इधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 1 upon 2 root x dx is equal to dt। अब बच्चों ध्यान दीजिए ये जो 2 है ये आप कहां भेज देंगे, dt के साइड, तो बच्चों ध्यान दीजिए पूरा का पूरा टर्म मैच हो गया, root x minus 1 को जैसे ही हमने t लिया उसका डिफरेंशिएशन पूरी तरह से मैच हो गया, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, t लिखेंगे, क्वेश्चन आया ऐसा क्यों सर, भाई root x minus 1 को आपने t दिया है, 1 upon root x dx की जगह क्या है, 2 dt, 2 कैसा टर्म होता है, कांस्टेंट, and 1 upon t का इंटीग्रेशन,
log t, वैल्यू ऑफ t बताइए, t की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स माइनस वन प्लस सी। हमने बच्चों आपको क्या बता रखा है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, अगर उसके अलावा छोटा सा भी चेंज है बस उसे t लोगे। तो आज हम किसे t लेने वाले हैं, x प्लस 4, x मतलब 1, डेरिवेटिव 4 का बच्चों 0, dt अपॉन dx क्रॉस मल्टीप्लाई dx इज इक्वल टू dt। अब ये बताइए x प्लस 4 t के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t माइनस 4। अब हमने x की जगह क्या रखा, t माइनस 4, और x प्लस 4 की जगह कितना रखा है, t, और बच्चों dx की वैल्यू कितनी है, dt, ठीक है। अब यहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है, अब इसको आप सेपरेट करें, ये हो जाएगा 4 अपॉन रूट t ऑफ dt। देखिएगा t को लिख सकते हैं रूट t का स्क्वायर, ये बच्चों है रूट t, एंड 4 अपॉन रूट t, ध्यान दीजिएगा एक रूट टी का स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 4 अपॉन रूट टी। अब इसको आप सेपरेट करें, रूट टी डी टी, एंड 4 यहां पे कांस्टेंट है तो कितना बचेगा, 1 अपॉन रूट टी डी टी। रूट को हम लिख सकते हैं टी की पावर हाफ, एंड 1 अपॉन टी की पावर हाफ, ठीक है। तो देखिएगा t की पावर हाफ, ये तो प्रॉपर फॉर्म हो गई, इसको अगर हम न्यूमरेटर पर ले जाएं तो माइनस हाफ मिलेगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन n प्लस 1, ठीक है, अपॉन n प्लस 1, नेक्स्ट n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब बच्चों इंटीग्रेशन कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 एंड t की पावर हाफ, नेक्स्ट ये भी 1/2, तो ये हो जाएगा 2/3, ये 8 t की पावर हाफ। अब ध्यान दीजिएगा क्या हम इसे t की पावर 3/2 को 1+2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है कि सर बेनिफिट क्या है, बस एक मिनट का समय दीजिए, आपको बेनिफिट देखने वाला है। बेस इक्वल पावर ऐड होती है तो कन्वर्स तो पावर सेपरेट भी कर सकते हैं, तो t की पावर 1 t की पावर हाफ, एंड बच्चों t की पावर हाफ, ठीक है। अब हम इस हाफ पावर को रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, 2 अंडर रूट t, तो क्या बचेगा, t अपॉन 3 माइनस का 4, ठीक है। अब आप एलसीएम लीजिए 3 से, तो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट t माइनस का 12 अपॉन 3 हो, एक बार चेक करा देते हैं आप लोगों को बच्चों, 4 3 12 और अपॉन में 3, 3 को इधर लिख लो आगे, 2 अपॉन 3 रूट टी टी माइनस 12, जो टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स प्लस 4, तो 2 अपॉन 3 अंडर रूट एक्स प्लस 4 माइनस 12 प्लस का सी, तो 2 अपॉन 3 अंडर रूट x प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 8 प्लस का c, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये है, x क्यूब माइनस 1 होल की पावर 1 अपॉन 3, x क्यूब माइनस 1 को अगर हम t लें तो हमारे पास आएगा 3x2, बट हमारे पास बैठा कौन है, x की पावर 5। अब सबसे पहला काम, इसको हम ऐसा स्प्लिट करें कि हमारे पास dx के बगल में बच्चों क्या मिले, x स्क्वायर। तो देखिए हमने क्या करा, हमने x की पावर 5 को लिखा x क्यूब इनटू x स्क्वायर, ठीक है। अब हम आसानी से x क्यूब माइनस 1 को क्या लेने जा रहे हैं, t, तो 3x स्क्वायर 1 का 0 dt अपॉन dx क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बच्चों आपका हो जाएगा x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 dt। तो आप लोग मैच कर लीजिए, क्या ये पूरी वैल्यू मैच हो चुकी है। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए x क्यूब की वैल्यू, तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू t, तो ये बताइए x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, t प्लस 1। अब ध्यान दीजिए x क्यूब माइनस 1 की जगह आप क्या रखोगे, t, ठीक
ठीक है, और x क्यूब की जगह आप क्या रखेंगे, t प्लस वन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट x स्क्वायर dx की जगह, देखिएगा x स्क्वायर dx की जगह 1 upon 3 कैसा टर्म होता है, कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा t प्लस वन, ठीक है, 1 upon 3 मल्टीप्लाई कर 1 upon 3 t की पावर 1 upon 3 इनटू 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेस इक्वल बच्चों पावर ऐड होगी तो ये आपकी हो जाएगी 1 upon 3 प्लस 1 t की पावर 1 upon 3, ठीक है। आप एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व करिए तो कितना होगा 3 LCM, तो बच्चों यहां पे 1 plus 3 न्यूमरेटर पे आएगा मतलब 4 upon 3, नेक्स्ट होगा 1 upon 3। अब बच्चों इसको आप सेपरेट करें, t की पावर 4 upon 3 dt, नेक्स्ट t की पावर 1 upon 3, तो बच्चों x की पावर n का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है x की पावर n plus 1 upon n plus 1, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर भी n plus 1 upon n plus 1, प्लस में c। अब ध्यान दीजिएगा LCM तो 7 upon 3, नेक्स्ट हो जाएगा 4 upon 3 एंड 4 upon 3, 3 से 3 कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा 7/3 एंड 1 upon 4। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस t की वैल्यू को यहां पे रखना है, तो बच्चों t की वैल्यू कितनी थी आपकी, x क्यूब माइनस 1, नेक्स्ट यहां पर भी रखते हैं x क्यूब माइनस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसको करने के लिए आप बस x स्क्वायर को dx के पास रखें, इसमें वही वाला रूल अप्लाई होगा कि t उसको लेते हैं जिसका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फंक्शन के बच्चों मल्टीप्लाई हो, तो अब आपने 2 plus 3x³, एक बार ये चेक कर लें बच्चों x³ है, यस, तो 2 plus 3x³ को t लिया, 2 का 0, ठीक है, x³ का 3x² dt upon dx, क्रॉस मल्टीप्लाई 9x² dx is equal to t, तो x² dx is equal to 1 upon 9, अब प्यारे बच्चों ध्यान दें, 2 plus 3x³ की जगह आपने t रिप्लेस करा, ठीक है, तो ये t क्यूब हो जाएगा, भाई देख लो 2 plus 3x³ की जगह t, तो ये बच्चों t क्यूब हो गया, x² dx की जगह 1 upon 9 dt, 1 upon 9 कैसा टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म, 1 upon t क्यूब का इंटीग्रेशन करने के लिए इसे आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करें, t की पावर -3, तो ये क्या होगा n plus 1 upon n plus 1, तो अब बच्चों ये हो जाएगा -2 upon -2, तो बच्चों 9 2 18, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है तो ये आपका हो जाएगा 1 upon 18, बट माइनस का, और t की पावर -2 को लिखेंगे 1 upon t square, तो -1 upon 18, वैल्यू ऑफ t की वैल्यू कितनी है 2 plus 3x³ का होल स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 upon x हो इसको dx के पास रखें और 1 upon log x होल की पावर m को इधर रखें, अब इसका बेनिफिट देखिए, हमने क्या सिखाया है, t उसको लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फंक्शन के बच्चों मल्टीप्लाई है, अब आपने log x को t लिया तो log x का डेरिवेटिव 1 upon x dt upon dx हो जाएगा, इसका dx को इधर भेजें तो ये हो जाएगा 1 upon x dx is equal to dt, log x के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे t, ध्यान दीजिए 1 upon x dx के प्लेस में बच्चों dt, तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस m, अब इंटीग्रेशन करें माइनस m प्लस 1, भाई ये n की तरह काम करेगा ना, तो माइनस m प्लस 1 प्लस का c, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1 minus m upon 1 minus m, बच्चों जहां जहां t है वहां पे बस हमें क्या रखना होता है log x, ठीक है, 1 minus m plus का c। नेक्स्ट प्रॉब्लम ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम बच्चों x हमने रखा dx के पास,
ठीक है, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। देखिएगा 9-4x² को हमने जैसे ही t assume करा, क्यों करा? क्योंकि इसका derivative यहाँ पे लगभग match होगा। 9 का 0, x square का 2x, dt upon dx, तो ये बच्चों हो जाएगा -8x dx = dt। तो ध्यान दीजिए x dx -1/8 dt, ये पूरा का पूरा आपका derivative match बच्चों हो गया। 9-4x² के प्लेस में आप रखोगे t और इस वैल्यू के प्लेस में -1/8 dt। माइनस का 1/8 कांस्टेंट टर्म होता है, 1/t का बच्चों इंटीग्रेशन ये आपका होता है log t। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर t की वैल्यू को रखना है। t की वैल्यू कितनी है आपकी? 9-4x² + c। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट। हमने आपको आज की क्लास में कई बार ये बात बताई है कि x के प्लेस में जो भी चेंज आता है उसको t लोगे, तो आज हम बच्चों किसको t लेंगे? 2x + 3 को t लेंगे, x का 1, 3 का 0, dt upon dx। तो 2dx किसके इक्वल हो जाएगा? dt के। तो dx की वैल्यू ½ dt। आप सब बच्चे चेक करिए, 2x plus 3 की जगह ये t है, dx के प्लेस में ½ dt बच, half constant टर्म है, ये बाहर आ जाएगा e की पावर t। अब बच्चों e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस t की वैल्यू को उठा के रखना है, 2x plus 3 plus का c। सबसे पहला काम स्टूडेंट, इसको आप अलग-अलग करें, x को दे दें dx के साथ, अब इसको लेके जाएं न्यूमरेटर पे, देखिएगा इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही हमने -x² को t लिया है, बच्चों -x² को ही t क्यों लिया? क्योंकि -x² का डेरिवेटिव होता है -2 है, -2 आराम से एडजस्ट हो जाएगा, x तो आ रहा है ना, तो बताइए x² का डेरिवेटिव 2x, dt upon dx, तो देखिएगा -2x dx = dt। तो बच्चों x dx -½ dt। अब ध्यान दें -x² की जगह हम रखेंगे t, x dx की जगह -½ dt। -½ आपका कांस्टेंट टर्म होता है, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, वैल्यू ऑफ t बताइए, वैल्यू ऑफ t बच्चों है आपका -x² + c। आप चाहें तो इसे इस तरीके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगेन इसे आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, ठीक है? t उसको लेंगे बच्चों जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फंक्शन के कहां पर हो, मल्टीप्लाई हो। तो देखिएगा tan इनवर्स x को t लीजिए, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 + x² dt upon dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो यहां पे हो जाएगा 1/1 + x² dx = dt। तो अब आपने tan इनवर्स x की जगह क्या रखा? t, और इस पूरी वैल्यू की जगह dt, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, वैल्यू ऑफ t कितना है आपका? tan इनवर्स x plus का c। अब यहां पर आगे प्रॉब्लम, यहां इंटीग्रेशन स्टार्ट ही नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अब इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? अब हमने इसके न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में बच्चों e की पावर x से डिवाइड करा। अब बेनिफिट देखिए, सबसे पहला काम न्यूमरेटर वाले में इसको सेपरेट करें, इसी तरीके से डिनोमिनेटर वाले में बच्चों इसको सेपरेट कीजिएगा, ठीक है? अब ध्यान दो, e की पावर 2x से e की पावर x कैंसिल, e की पावर x इसे न्यूमरेटर पे भेजें, e की पावर -x यहां पर भी कैंसिल, e की पावर x एंड e की पावर माइनस का x। हमने सबसे पहला काम ये करा, इसको सिस्टम से अलग करा, ठीक है? तो e की पावर x, e की पावर -x को dx के साथ रखता, ध्यान दीजिए e की पावर x, e की पावर -x को t लेंगे, बच्चों डेरिवेटिव करिए e की पावर x का, फिर e की पावर -x का, और यहां पे हो जाएगा dt upon t। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर है,
e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव बच्चों माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है। अब dx को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करिए तो बच्चों क्या हो जाएगा, dx is equal to dt फॉर्म यहां पे आ जाएगी। ध्यान दीजिए, ऐसा करने से फायदा ये हुआ, डिनोमिनेटर वाला तो पूरा का पूरा आपका t हो गया, और ये जो वैल्यू है ये बच्चों कितनी है, dt है, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, वैल्यू ऑफ t। अब आपकी जो t की वैल्यू है वो कितनी है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, यही आपका सॉल्यूशन। सबसे पहला काम बिल्कुल क्वेश्चन 19 की तरह, इसको पहले आप अलग करिए सिस्टम से, ठीक है। तो e की पावर 2x माइनस 2x dx किसके साथ रख दिया है बच्चों, dx के साथ। बेनिफिट क्या है, जैसे ही हमने डिनोमिनेटर वाले को t लिया इसका डेरिवेटिव लगभग मैच होगा, लगभग क्यों बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म जो एक्स्ट्रा आए थे उसको आप dt के साइड भेज दीजिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर 2x, यहां पे हो जाएगा e की पावर माइनस 2x dt अपॉन d, बच्चों e की पावर 2x और अगेन करेंगे आप किसका 2x का e की पावर माइनस 2x और फिर से करेंगे माइनस का 2x का dt अपॉन d, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1, यहां पर माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में 1, कुछ कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है e की पावर 2x माइनस 2x dx इज इक्वल टू d, तो e की पावर 2x माइनस 2x is equal to half dt आपका हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या न्यूमरेटर पूरी तरह से मैच हो रहा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है आपकी t है, देख लीजिए डिनोमिनेटर की वैल्यू बच्चों कितनी है t, तो ये हो जाएगा half dt। एक बार फिर से बता देते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसकी जगह बच्चों t रखेंगे, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx की जगह आप क्या रखोगे, half dt, हाफ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन t का कितना होता है log t, बस अब वैल्यू ऑफ t रखें तो t की वैल्यू आपकी कितनी है देख लीजिएगा, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ठीक है बच्चों। tan स्क्वायर 2x माइनस 3, आप सभी बच्चे जानते हैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा तो आइडेंटिटी की हेल्प से होगा, तो बच्चों tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस का वर्ग, तो आप ध्यान दीजिए थीटा के प्लेस में कितना है 2x माइनस 3 एंड माइनस का 1, अब इसको सेपरेट करो तो sec स्क्वायर 2x माइनस 3 ऑफ dx, इतना समझ में आया कि नहीं। अब हमने 2x माइनस 3 को t लिया तो x का 1 3 का 0 dt upon dx, तो 2dx is equal to dt, dx की वैल्यू half dt हो जाए, तो बच्चों 2x minus 3 की जगह क्या रखोगे t and dx की जगह half dt, half कैसा टर्म होता है constant, sec square t का integration ये स्टूडेंट होता है tan t, value of t बताएं, t की वैल्यू आपकी है 2x minus का 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7 माइनस 4x को हमने t लिया, 7 का 0 x का 1 dt अपॉन dx, तो माइनस 4dx इज इक्वल टू dt, तो अब बताइएगा dx की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 4dt, तो sec स्क्वायर t माइनस का 1 अपॉन 4dt, माइनस का 1 अपॉन 4 कांस्टेंट है, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन बताएं, ये बच्चों क्या होगा tan t, बस अब आप t की वैल्यू को रख दीजिए, t की वैल्यू कितनी है 7 minus 4x plus का c। नेक्स्ट प्रॉब्लम ध्यान दीजिएगा sin इनवर्स x का ये डेरिवेटिव होता है, तो बच्चों इसको सबसे पहले आप dx को दे दीजिए, ठीक है। अब हमने sin इनवर्स x को t, sin इनवर्स का डेरिवेटिव अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dt अपॉन dx क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, तो ध्यान दीजिएगा पूरा का पूरा डेरिवेटिव मैच हो गया,
तो TDP, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई थ्री, टी की वैल्यू बताइए, टी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। तो सबसे पहला काम, डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन हो रहा है, तो बच्चों जो भी कॉमन हो रहा है पहले उसे लें। तो 2 कॉमन हुआ 3 cos x प्लस 2 sin x ऑफ a, ये 2 कांस्टेंट है डिनोमिनेटर वाला, तो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से 2 cos x माइनस 3 sin x और अपॉन में 3 cos x प्लस में 2 sin x। अब हमने डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को डी लिया, तो 3 cos x फिर क्या हो जाएगा 2 sin x, cos x का माइनस का sin x और sin x का cos x, dt upon dx। तो पहले हम लिखेंगे cos को और बाद में किसको लिखेंगे बच्चों, sin को, ठीक है, dx को इधर शिफ्ट कर। तो चेक करिए पूरा का पूरा न्यूमरेटर मैच हो गया कि नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 upon t and dt। अब बच्चों ध्यान दीजिए 1 upon t का इंटीग्रेशन log t, वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू क्या है आपका 3 cos x plus 2 sin x plus c, ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 1 upon cos square into में 1 minus tan x का whole square। अभी आपको कोई सब्स्टिट्यूशन देख नहीं रहा, कोई बात नहीं, cos square को न्यूमरेटर पे भेजें तो कितना हो जाएगा sec square। जैसे ही आपने न्यूमरेटर पे भेजा तो बच्चों आपको इसका डेरिवेटिव दिख गया होगा, बताइए किसको t लेंगे, 1 minus tan x के whole square को t लेंगे। तो ध्यान दें 1 minus tan x को t लिया, 1 का 0 tan का sec square dt upon dx cross multiply। अब देखिए बेटा माइनस हमने भेज दिया आपका dt के साइड, तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर मैच हो गया, 1 minus tan x की जगह क्या रखोगे आप t, माइनस का dt, माइनस बाहर आएगा, t की पावर माइनस का t, तो बताइए n plus 1 upon n plus 1 plus का c, तो माइनस t की पावर माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, t की पावर माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे 1 upon t, और t की वैल्यू कितनी है आपकी 1 minus tan x plus c, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम cos root x upon root x। अब देखो ये जो एंगल वाला root x है ये हमारी हेल्प कर सकता है, कैसे, अब ये upon वाले root x को dx में दे दो और जो cos का एंगल वाला root x है उसको आप t ले दो। root x का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है 1 upon 2 root x dt upon dx, ठीक है, 2 इधर भेजें dt के साइड और dx भेजें लेफ्ट साइड, तो 1 upon root x dx 2 dt होगा कि नहीं, तो ये बताइएगा cos t 2 dt, 2 कैसा टर्म होता है कांस्टेंट, cos t dt का इंटीग्रेशन आपका होता है sin t, वैल्यू ऑफ t आपका बच्चों हो जाएगा root x, ठीक है। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ इंटीग्रेशन root sin 2x into cos 2x, सीधी सी बात है sin को t लीजिए भाई, sin को जब आप t लोगे तभी तो डेरिवेटिव cos मिलेगा, तो sin का डेरिवेटिव cos 2x अगेन किसका होगा बच्चों 2x का is equal to dt upon dx, ठीक है। तो cos 2x 2 constant के बाहर आ गया, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, तो 2 cos 2x dx is equal to dt। अब देखिए हमें 2 की जरूरत नहीं है, तो 2 आप भेज दें dt के साइड, तो ये कितना हो जाएगा half dt। अब ध्यान दीजिएगा sin 2x की जगह आपने रखा t एंड half dt, half कैसा टर्म होता है बच्चों कांस्टेंट, root t मतलब t की पावर half, और t की पावर half का बच्चों इंटीग्रेशन होता है n plus 1 upon n plus 1, ठीक है, थोड़ा सा यहां डायरेक्ट करेंगे स्पेस कम हो रही मेरे पास इसलिए, तो ये हो जाएगा 3 by 2, 2 से 2 cancel 1 upon 3 and 3 by 2। अब बस आप t की वैल्यू को रखें, t की वैल्यू बच्चों कितनी है आपकी sin 2x whole की पावर 3 by 2 plus का c। अब ध्यान दें
वन प्लस साइन एक्स को बच्चों टी को वन का जीरो साइन का कॉस, तो टी उसको लेंगे जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फंक्शन के कहां पर हो, मल्टीप्लाई पे। तो देखिए बच्चों, अब हमने किसको टी लिया, वन प्लस साइन एक्स को, वन का जीरो साइन का डेरिवेटिव स्टूडेंट कॉस एक्स डी टी अपॉन टी, तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा। अब ध्यान दीजिए, 1 प्लस साइन एक्स की जगह आपने t रखा एंड cos x dx की जगह बच्चों dt, तो ये हो जाएगा t की पावर हाफ। अब इसे न्यूमरेटर पर शिफ्ट करें, माइनस का हाफ t की पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो LCM लीजिए, 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और ये रूट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। t की वैल्यू रखिए, t की वैल्यू बच्चों कितनी है, 1 plus sin x plus c। देखिए स्टूडेंट, log वाले टर्म को पहले लिख रहे हैं और cot x को भेज रहे हैं dx के साइड, बेनिफिट देखिएगा। हमने log sin x का डेरिवेटिव किया, ऐसे डायरेक्ट तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपके माइंड पे डेरिवेटिव अपने आप आने लगेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अब आपने इसको डिफरेंशिएट करा, तो ये कितना हो जाएगा, log sin x dt upon t, log sin x का 1 upon sin x और फिर से हम करेंगे sin x का, तो कितना हो जाएगा dt upon t। तो अब ध्यान दीजिएगा, sin x का डेरिवेटिव बच्चों कितना होता है, cos x, cos upon sin, ये हो जाता है cot x dx is equal to dt। देखिए बेटा, log sin x को t लिया है, मतलब log sin x को t लिया है और cot x dx को बच्चों क्या रख सकते हैं, dt, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। वैल्यू ऑफ t, t की जगह बच्चों क्या रखेंगे आप, log sin x, तो ये हो जाएगा log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। देखिए स्टूडेंट, इसमें भी आप एक काम करें, 1 upon 1 plus cos x को अलग करें और sin x dx को एक साथ रखें, क्यों, क्योंकि हम 1 plus cos x को जैसे ही t लेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो देखिए पूरा का पूरा डेरिवेटिव मैच हो रहा है, यस या नो। देखिए माइनस से प्रॉब्लम नहीं है, माइनस एडजस्ट हो जाता है, फंक्शन मैच होना चाहिए, ठीक है। तो शिफ्ट करिए, यहां पे कितना हो जाएगा, sin x dx is equal to dt, बच्चों माइनस आपने भेज दिया dt के साइड, तो माइनस dt हो गया। अब देखिएगा, 1 प्लस cos x की जगह आपने t रखा और इस पूरी वैल्यू की जगह माइनस का dt, माइनस बाहर आएगा, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t, t की वैल्यू बच्चों कितनी है, 1 प्लस cos x, आपने उठा के वैल्यू रख दी, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन लगभग 30 के ही जैसा है, ठीक है। इसको आपने पहले अलग करा और sin x को रखा dx के साथ, 1 plus cos x को assume करेंगे आप t, 1 का 0 cos x का minus sin x dt upon t, अब इधर भेजिए आप dx को, तो sin x dx minus extra है तो dt के साइड भेज सकते हैं। अब बच्चों 1 plus cos x की जगह t आ जाएगा और इस पूरी वैल्यू की जगह minus का dt, minus बाहर करें, 1 upon t square को लिखेंगे t की पावर minus का 2, तो यह हो जाएगा n plus 1 upon n plus 1, तो minus t की पावर minus 1, minus minus cancel हो जाएगा, तो 1 upon t, value of t बताएं, value of t आपका कितना है, 1 plus cos x, ठीक है। next problem देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको ना ही कोई substitution दिख रहा है ना आपको starting दिख रही है, तो process इसका सिखाते हैं। cot को हम लिख सकते हैं cos upon sin, ठीक है। अब आप इसमें LCM लीजिए, तो बच्चों यहां पे जब आप LCM लेंगे तो sin x आ जाएगा, तो इधर कितना पहुंचेगा, sin x plus cos x और न्यूमरेटर में तो 1 चल ही रहा, अब ये शिफ्ट होके ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा, sin x upon sin x plus cos x, ठीक है। अब स्टूडेंट हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड। क्वेश्चन आता है कि सर इससे बेनिफिट क्या है, बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा, बस एक मिनट का समय दीजिएगा, देखिएगा समझाता हूं।
2 sin x को हम लिख सकते हैं sin x plus sin. अब स्टार्ट होता है आपका बेनिफिट. एक छोटी सी लाइन याद कर लें, जैसा डिनोमिनेटर होता है वैसा क्या बनाते हैं न्यूमरेटर. अब बच्चों हमने इसमें cos को ऐड करा और नेक्स्ट वाले में cos को सबट्रैक्ट करा. देखिए अभी भी ये बैलेंस है, आप चेक कर लीजिए. cos से cos कैंसिल हो, sin x plus sin x. लेकिन बेनिफिट ये हुआ जब हम डिवाइड करेंगे तो बच्चों पहले वाले में आ जाएगा आसानी से 1. तो देखिएगा अब इसको आप अलग अलग करें तो देखिएगा न्यूमरेटर पे कितना चल रहा है sin plus cos x upon sin plus cos x. यहां पे कितना आ जाएगा आपका sin x minus cos x upon में sin x plus cos x. ठीक है, अब ये कैंसिल आउट तो यहां बच्चों 1 आ जाएगा. sin x minus cos x upon sin x plus cos x. अब इसको आप सेपरेट करिए तो 1 upon 2 dx यहां पे हो जाएगा 1 upon 2 sin x minus cos x upon sin x plus cos x. ठीक है, देखिए स्टूडेंट sin plus cos x वाले को आप t assume करें. sin का cos होता है, cos का minus का sin, dt upon dx. अब यहां पे हमको चाहिए sin minus cos, बट हमारे पास बन रहा है cos minus sin, तो इसमें से minus common लो, negative term positive हो जाएगा और बच्चों positive term negative हो जाएगा. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा sin x minus cos x dx is equal to dt. अब ध्यान दें sin x minus cos x dx is equal to minus हमने किसको दे दिया dt को. ठीक है, इंटीग्रेशन d को रिमूव करेगा ये x हो जाएगा और ये जो अपॉन वाली वैल्यू है इसकी जगह आपने t लिखा होगा और इस पूरे वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं माइनस का dt. तो ध्यान दें 1 by 2x माइनस बाहर आ जाएगा 1 upon 2x 1 upon 2 बेटा 1 upon t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t. तो 1 upon 2x and 1 upon अब t की वैल्यू रखें बच्चों t की वैल्यू कितनी है आपकी sin x plus cos x plus c. ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 32 था बच्चों वैसे ही 33 है, उसमें cot था इसमें tan है, तो tan को आप क्या लिखेंगे sin upon cos. ठीक है, LCM लीजिए और इसे न्यूमरेटर पे शिफ्ट करिए तो cos x upon cos x minus कितना देगा sin x. ठीक है, अब हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करा डिवाइड तो cos x माइनस का sin. ठीक है, तो 1 upon 2 2 cos x को हम लिख सकते हैं cos x plus cos x upon में कितना आ जाएगा cos x माइनस का sin. ठीक है, अभी हमने आपको एक रूल दिया था जैसा डिनोमिनेटर होता है वैसा क्या बनाते हैं न्यूमरेटर. तो बच्चों हमने पहले sin को सबट्रैक्ट कर तो दूसरे वाले में sin को क्या कर दिया ऐड. देख लीजिए अभी भी ये बैलेंस है, sin minus का sin plus का cancel out cos x plus cos x तो cos x minus का sin. अब आप इसको अलग अलग करिए separate करिए तो cos x minus का sin x upon cos x minus का sin. तो यहां पर भी student half next में भी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा cos x plus sin x upon cos x माइनस का sin. तो बच्चों ध्यान दीजिए ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा 1 1 upon 2 cos x plus sin x upon cos x minus sin. अब हमने डिनोमिनेटर वाले को ठीक किया. ठीक है, क्यों लिया है अभी आपको समझ में आएगा. cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x और बच्चों sin x का डेरिवेटिव cos x. ठीक है, यहां से माइनस कॉमन लीजिए तो sin plus cos dx is equal to dt.
अब हमने क्या करा, माइनस भेज दिया dt के साथ, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का dt, ठीक है। इंटीग्रेशन d को रिमूव करेगा तो ये हो जाएगा x, देखिए पूरी की पूरी वैल्यू मैच हो रही है, ठीक है, बस ये माइनस आएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, cos x plus sin x लिखा हो चाहे sin plus cos x, बात तो वही होती है, माइनस dt आएगा तो माइनस हमने बच्चों बाहर कर दिया, cos minus sin की जगह आप क्या लिखेंगे t and dt, ठीक है। 1 upon 2x, 1 upon t का इंटीग्रेशन log t, बस अब कुछ नहीं करना है, हमें t की वैल्यू को रखना है, t की वैल्यू कितनी है cos x minus sin x plus का c। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ tan x upon sin x into cos x। अब बच्चों देखिए इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आ, ठीक है, तो अब हम इसको एक बेटर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमने ये करा cos से डिवाइड और cos से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा रूट टेन एक्स और अपॉन में टेन एक्स इंटू, ये बच्चों आपका हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब इस cos स्क्वायर को आप न्यूमरेटर पे भेजें तो रूट टेन एक्स अपॉन में टेन एक्स और इंटू sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ध्यान दें ये रूट टेन एक्स है और अपॉन में टेन एक्स है, तो ये रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन रूट टेन एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx। टेन एक्स को हमने t अज्यूम करा, टेन एक्स का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स dt अपॉन dx, तो sec स्क्वायर एक्स dx किसके इक्वल आ जाएगा dt है। अब ध्यान दीजिएगा tan x के प्लेस में आपने t रखा और sec स्क्वायर x dx के प्लेस में dt, तो t की पावर हाफ, तो t की पावर माइनस हाफ और इंटीग्रेशन करेंगे माइनस हाफ प्लस वन माइनस हाफ प्लस प्लस में c, तो ये हो जाएगा t की पावर हाफ और ये हो जाएगा टू अंडर रूट t। वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू आपकी कितनी है बच्चों, वहां पे लिखा होगा टी की वैल्यू आपकी टेन एक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स, अब आपने बच्चों वन प्लस लॉग एक्स को टी दिया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा डी एक्स को बच्चों इधर भेजेंगे, अब 1 प्लस log x की जगह ये आ जाएगा t, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3, वैल्यू ऑफ t ये कितना है 1 प्लस log x। देखिए स्टूडेंट, x प्लस log x को आप पहले इधर लिखें, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x, अब हमने x प्लस log x को एज्यूम क्या करा t, x का 1 log x का 1 upon x और t का dt upon dx। अब बच्चों इसमें LCM लीजिए, x plus 1 upon x, ठीक है, ध्यान दीजिएगा x plus log x की जगह ये t आ जाएगा, x plus 1 upon x dx की जगह dt, t square का t cube upon 3, value of t, t की value कितनी है x plus log x का whole cube, ठीक है, अपॉन में 3 बच्चों, साइन ऑफ tan इनवर्स x की पावर 2 x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 1, अब हमने tan इनवर्स x की पावर 4 को t लिया बच्चों, इसलिए लिया क्योंकि इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो लगभग वही मिलेगा, लगभग इसलिए बोल देते हैं क्योंकि कभी कभी कोई कांस्टेंट वैल्यू भी आ जाती है। tan इनवर्स का क्या है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और फिर से होगा x की पावर 4 का, ठीक है, x की पावर 4 का 4x क्यूब पावर में पावर का मल्टीप्लाई x की पावर 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा x क्यूब 1 प्लस x की पावर 8 dx इक्वल 1 अपॉन 4 dt, ठीक है, ध्यान दीजिए tan इनवर्स x की पावर 4 की जगह कितना आएगा t और इस पूरी वैल्यू की जगह 1 अपॉन 4 dt, 1 upon 4 constant term होता है,
अब बच्चों साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी, बस अब हमें कुछ नहीं करना है और टी की वैल्यू को रखना है। टी की वैल्यू क्या है? टैन इनवर्स एक्स की पावर 4। ठीक है बच्चों, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 के, टेन एक्स की पावर 9 टेन की पावर एक्स लॉग बेस ई टू टेन अपॉन में एक्स की पावर 10 और 10 की पावर एक्स। अब बच्चों डिनोमिनेटर वाले को टी लीजिए, एक्स की पावर 10 का 10 एक्स की पावर 9 ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग बेस ई टू ए डी टी अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या आपका कंप्लीट डेरिवेटिव मैच हो गया? देख लीजिए, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? टी 1 अपॉन टी का कितना होता है? लॉग टी। वैल्यू ऑफ टी एक्स की पावर 10 और 10 की पावर एक्स प्लस सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? लॉग 10 की पावर एक्स और एक्स की पावर 10। बच्चों फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, यहां पर डी लिख लीजिएगा। ठीक है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और इनटू बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स। अगर हम इस 1 की जगह लिख दें आइडेंटिटी, क्या होती है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग करिए, साइन स्क्वायर एक्स तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, यहां बच्चों हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और इनटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल है। ठीक है, यहां पे कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ये हो जाता है सेक स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर बच्चों कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स एंड कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, विच ऑप्शन इज करेक्ट? टेन एक्स माइनस कॉट एक्स, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों,